फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीटीआर विजय कुमार। मैं आपका दोस्त विजय कुमार। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि आप हम अपने चैनल पर लोगो कैसे लगाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या हम चैनल पर अपने लोगो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। चैनल एक बार बन गया तो क्या उस पर हम दोबारा लोगो लगा सकते हैं? एक बार लोगो लगा दिया तो क्या दोबारा उसको हटा के नया लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? चलिए फिर इन सभी डाउटों को हम क्लियर करते हैं इस वीडियो में। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले तो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपने चैनल पर लोगो नहीं लगाते हैं। बहुत बहुत लोग उसे लोगो नहीं लगाते हैं या लोगो लगा दिया है एक बार तो दोबारा सोचते हैं कि वो चेंज होगा या नहीं होगा। लोग जब चैनल बना लेते हैं तो बनाने के बाद में ऐसे ही आपका आप जब जीमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें उससे आप अपने चैनल बनाते हैं तो चैनल में आपके केवल नाम का ही अच्छा छापा रहता है। जैसे कि आप अगर बी से बना है तो बी बना रहेगा, टी से बना है तो टी बना रहेगा। वहाँ पर आप अपने चैनल का लोगो ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। चले फिर हम आपको बताते हैं कैसे कि आप अपने चैनल का लोगो ऐड करते हैं। चैनल का लोगो ऐड करने से आपका चैनल का काफ़ी प्रोफेशनल दिखता है और जी हाँ, आपका चैनल का पहचान बन जाती है चैनल को लोगो ऐड करने से। चैनल अगर आपके लोगो आपके चैनल पर लोगो ऐड रहेगा तो आपके चैनल की काफ़ी पहचान रहती है और दिखने में अच्छा लगता है आपका चैनल। जी हाँ, तो चलिए फिर देर न करते हुए हम आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कैसे चैनल का लोगो लगाया जाता है। चलिए फिर फ़ोन की स्क्रीन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने फ़ोन स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर हम अपने क्रोम ब्राउज़र को इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में देखिए ये क्रोम ब्राउज़र हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप यूट्यूब इसे लिख करके सर्च करेंगे, youtube.com। ये डेस्कटॉप मोड, यहाँ पर इसे आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में देखिए आपका ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आपके फ़ोन में डेस्कटॉप मोड नहीं है तो आप यहाँ पर इसे थ्री डॉट पर से क्लिक करके यहाँ से देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप सीट इसे आप सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर इसे सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आपका डेस्कटॉप मोड में देखिए यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे देखिए ये हमारा डेस्कटॉप हो चुका है। यहाँ पर आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सारे चैनल की आपके इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप जो भी वीडियो आपके चैनल के है वहाँ पे सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जूम करिएगा तो जूम करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपके चैनल का लोगो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर लोगो दिखेगा, यहाँ पर आप वीडियो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने योर चैनल पे इसे क्लिक करना है। योर चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके चैनल का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर खुलने के आने के बाद में आपको यहाँ पर कस्टम चैनल और वाई टी स्टूडियो का दो ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर से आपको कस्टम चैनल पर इसे क्लिक करना है। कस्टम चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपका ये खुलकर आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर इस प्रकार से खुल के आने के बाद थोड़ा यहाँ पे जूम करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ से आपका देखिए यहाँ से आपके सब्सक्राइबर दिखाई देंगे। यहाँ से आप जितने व्यूज़ पाए हैं वो व्यूज़ दिखाई देंगे। यहाँ से वीडियो मैनेजर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपका चैनल का लोगो भी दिखाई देगा। यहाँ पर आपके जो चैनल का बैनर है वो भी दिखाई देगा। यहाँ से आप देखिए इससे लोगो पर क्लिक करिए तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर पेन का आइकन एक दिखाई देगा। पेन के आइकन पर से आपको इसे क्लिक करना है। पेन के आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए खुलकर आएगा एडिट योर चैनल आइकन। तो इस चैनल आइकन पर इसे एडिट पर से क्लिक करिए। एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका आ चुका है। यहाँ पर ऐसे आप चेंज पे से आप क्लिक करेंगे। चेंज पे आप जब क्लिक करेंगे तो चाहे अपने फ़ोटो चाहे जो भी आप अपलोड कर सकते हैं, चाहे जो भी जो आप पिछला लगाए हुए हैं उनको उन्हीं से आप जैसे आपने जो पहले से अपलोड किया है उसी में से आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी अपलोड किए हैं वो तो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जो भी आप लगाना चाहते हैं उस पर आप सिलेक्ट करिएगा। वहाँ से आप यहाँ से देखिए जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करके यहाँ से लगा सकते हैं। जो भी आप लगाना चाहें वहाँ से यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसको लगा सकते हैं चैनल पे अपने। तो चलिए फिर आप चाहे यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं, चाहे अपलोड पे सिलेक्ट फ़ोटोज़ पे कंप्यूटर से
तो यहाँ से आप अपने फाइल को से या चाहे आप डायरेक्ट आप फोटो खींच कर से चाहे रिकॉर्ड कर जहाँ से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने खोल दिया है, यहाँ पर हमारे चैनल का लोगो ये इस प्रकार से है। तो इस पर से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से देखिए अपलोड हो रहा है हमारे चैनल का लोगो। चैनल का लोगो देखिए अपलोड होके आ चुका है, बस ये सिंपल सा है। यहाँ से चैनल का लोगो देखिए अपलोड होके आ चुका है, बस यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना सेट कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप सेट करना चाहते हैं उस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद में सिंपल सा आप लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए मेरा चैनल सेट लोगो सेट हो चुका है। अब सेट करने के बाद में बस यहाँ पर सेट एज प्रोफाइल फ़ोटो, बस इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपका अपलोडिंग लेगा। अपलोडिंग लेने के बाद में देखिए ये अपलोडिंग ले रहा है। लेने के बाद में देखिए ये आपका चैनल का लोगो इस प्रकार से लग के आ चुका है। यहाँ से देखिए आपका चैनल का लोगो आ चुका है, देखिए यहाँ से आपके चैनल का लोगो ये देखिए लग चुका है। यहाँ से आपसे इसे क्लिक करेंगे इस पर आप, तो देखिए यहाँ पर आपके चैनल का लोगो ये लग गया, देखिए इस प्रकार से। तो सिंपल सा है, आप यहां से अपने चैनल का लोगो चेंज कर सकते हैं। यहां से आप जैसे दूसरा लोगो लगाना चाहते हैं जो भी आपने अपलोड किया है, तो उसमें से यहां से आप यहां से लगा सकते हैं। जैसे हमने ये अपलोड किया रखा है इतने सारे चैनल, तो यहां इनमें से आप सिलेक्ट करके यहां से लगा सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला लगाना है तो इस पर सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहां सेट एज प्रोफाइल पे क्लिक करिए। यहां से आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से अपलोड लेगा और उसके बाद में यहाँ पर लग के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका चैनल का ये लोगो लग के आ चुका है, देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर लग के आ चुका है। बस ये सिंपल सा तरीका था चैनल पर लोगो लगाने का, हटाने का, नया लोगो लगाने का, कैसे लगाते हैं चैनल पर लोगो। आई होप आपको चैनल के में लोगो लगाना समझ में आ गया। आई होप आपको वीडियो कुछ पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर कोई आपके सवाल, आपके मन में कोई सवाल या कोई डाउट या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है चैनल में लोगो लगाने से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।